नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक उदेनिया। कहते हैं पानी हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन जब यही पानी विकराल रूप ले ले तो इससे ज़्यादा विनाशक कुछ और नहीं। और ऐसा ही कुछ इस वक्त नज़र आ रहा है बड़वानी और उसके आसपास के गाँवों में, जहाँ नर्मदा का पानी लोगों के घर तक पहुँच चुका है और लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। अभी लोग कहाँ जाएँ और कैसे इनका गुजर बसर होगा, इसी पर करेंगे चर्चा मुद्दे की बात में। सरदार सरोवर बांध को लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात आमने सामने हैं। गुजरात बिजली उत्पादन रोककर बांध को पूरा भरना चाहता है, जबकि मध्य प्रदेश को बांध भरने से हजारों लोगों के विस्थापन की चिंता सता रही है। लेकिन इसके बावजूद सरदार सरोवर बांध का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और मध्य प्रदेश के डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालत ये है कि लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सालों की मेहनत पर पानी फिरना किसे कहते हैं, ये इस रोती बिलखती महिला से पूछिए जिसका सब कुछ उससे छिन गया है। जिस घर को इसने बसाया आज उसे छोड़कर जाना पड़ रहा है। अपने घर से बिछड़ने का दर्द क्या होता है, वो इन दो बचपन के दोस्तों से पूछिए जो सालों से एक दूसरे के पड़ोसी रहे, लेकिन अब इनके पास गले मिलकर रोने के अलावा कुछ नहीं बचा। मैं आपके साथ हूँ, पूरे गांव के साथ हूँ यार। ये तो केवल कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो इस दर्द से गुजर रहे हैं, जिन्होंने सालों मेहनत कर अपने और अपने परिवार के लिए घर बनाया, लेकिन अब वो ही सपनों का आशियाना उनसे छिन रहा है। नर्मदा के डूब क्षेत्र में रहने वाले इन लोगों का दर्द देखकर आज हर कोई इनके गम में शरीक है, लेकिन शायद शासन प्रशासन को इनकी तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है। यही वजह है कि डूब प्रभावितों की समस्याओं का ना तो निराकरण हुआ और ना ही सही प्रकार से पुनर्वास। यही कारण है कि आज लोग आत्महत्या जैसा कदम उठाने में भी पीछे नहीं है। उनका कहना है कि अब उनके पास ना तो घर है और ना ही आजीविका का साधन, अब किस प्रकार अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करें। ये सब हुआ है मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच चल रहे सरदार सरोवर बांध विवाद के कारण, जिससे मध्य प्रदेश के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और कुछ डूब की कगार पर हैं। दरअसल सरदार सरोवर बांध को लेकर एनसीए ने एक शेड्यूल तैयार किया था, लेकिन गुजरात ने नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी के शेड्यूल को दरकिनार कर 26 दिन पहले ही सरदार सरोवर डैम को 135.12 मीटर की ऊंचाई तक भर दिया। इस जल्दबाजी में मध्य प्रदेश के 57 गांव डूबने के कगार पर पहुंच गए। इन गांवों में 2064 परिवार रहते हैं। हालांकि इसको लेकर सीएम कमलनाथ ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर सरदार सरोवर बांध के भराव में गुजरात सरकार पर शर्तों के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पत्र में लिखा कि केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर गुजरात को निर्देशित करें कि वो जल भराव की तय समय सारणी का पालन करें। इस शेड्यूल में बांध को 31 अगस्त तक 134 मीटर तक भरा जाना था,
सितंबर में 135 मीटर और 15 अक्टूबर तक 138 मीटर के अंतिम स्तर तक भरना है, लेकिन अभी बांध 135 मीटर तक भर चुका है। वहीं सरदार सरोवर बांध पर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए नर्मदा बचाव आंदोलन की मेधा पाटकर ने कहा कि इस योजना से हुए बिजली निर्माण में से 57% बिजली पर मध्य प्रदेश का अधिकार है, लेकिन वर्ष 2014 से 2017 तक 21,000 मेगावाट क्षमता वाले प्लांट से मात्र 3,200 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया, जबकि इस दौरान बांध में पानी पहले से भी अधिक था। मेधा ने आरोप लगाया कि बिजली न बनाकर इस पानी का इस्तेमाल 481 कंपनियों को पाइपलाइन के माध्यम से पानी दिया गया। मध्य प्रदेश के नुकसानों को समझाते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को पुनर्वास के लिए गुजरात सरकार से पूरा पैसा नहीं मिला, साथ ही बांध से प्रस्तावित जंगल और पर्यावरण को हुए अन्य नुकसान की भरपाई भी अभी तक नहीं हुई है। 1857 करोड़ मध्य प्रदेश ने पुनर्वास के लिए मांगा है और गुजरात का कानूनी फर्ज है कि वो पूरे पुनर्वास के खर्च की भरपाई करे, लेकिन आज तक गुजरात से नहीं मिली और मध्य प्रदेश जोर शोर से आवाज क्यों नहीं उठा रहा है। मध्य प्रदेश का जो जंगल डूब में आया है 2000 हेक्टर, उसकी भरपाई मध्य प्रदेश को नहीं मिली है, और जो एकमात्र लाभ है, इतना बड़ा विनाश, त्याग, आहुति जो भी कहने के बाद, उसके बदले में जो बिजली मिलने वाली है वो भी नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश को राज्य के हित में और विस्थापितों के हित में सशक्त संघर्ष करना चाहिए, जो अभी तक नहीं किया है। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। वसीम बरेलवी का ये शेर मध्य प्रदेश के डूब प्रभावित गांवों और वहां रहने वाले लोगों पर इस वक्त सटीक बैठता है, जो इस वक्त अपने घर को बचाने की जद्दोजहद में मसरूफ हैं और नर्मदा बचाओ आंदोलन लोगों के पुनर्वास को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है, लेकिन इसका नतीजा सिफर ही नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों की तकलीफें कब खत्म होती हैं और कब उन्हें उनका आशियाना वापस मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। मध्य प्रदेश के डूब क्षेत्र में आने वाले गांव पूरी तरह से जलमग्न होते नजर आ रहे हैं और लोगों को अपने घर तक छोड़कर जाना पड़ रहा है। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आजीविका और पुनर्वास की है, जिसको लेकर कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी तरह से कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ स्टूडियो में एक पैनल मौजूद है, हमारे साथ बीजेपी से विकास भोंदरिया जी मौजूद हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता आलोक अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं हमारे साथ कुछ ही देर में फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस से, वो भी जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आलोक जी, मेरा ये सवाल है कि ये समस्या चली आ रही है काफी लंबे समय से, लेकिन इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका कानूनी पक्ष क्या है। जी, सरदार सरोवर को लेकर 3 राज्यों में विवाद हुआ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। 1969 में एक ट्राइब्यूनल बनाया गया, 1979 में इस ट्राइब्यूनल का अवार्ड आता है। पहली बार इस देश में एक इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने विस्थापितों के पुनर्वास की बात की, और ट्राइब्यूनल का जो अवार्ड है वो कानूनी रूप से एक डिक्री के रूप में होता है। इसमें बहुत ही सुंदर प्रावधान थे। प्रावधान ये थे कि जमीन के बदले जमीन दी जाएगी, कम से कम 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, और विस्थापितों को सभी सर्व सुविधा युक्त पुनर्वास स्थलों पर बसाया जाएगा, डूब आने के 6 महीने पहले बसाया जाएगा। ये सब कुछ नहीं हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन खड़ा हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें सन 2000 में एक बहुत महत्वपूर्ण लैंडमार्क फैसला आया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ रूप से कह दिया कि नहीं, पुनर्वास आपको करना ही होगा और डूब के पहले करना पड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी को यह जिम्मेदारी दी कि वो सुनिश्चित करेगा कि जब तक पुनर्वास नहीं हो जाता है तब तक पानी भरने की अनुमति ना दी जाए और चरणबद्ध तरीके से पानी भरा जाएगा। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि इसके 19 साल बाद भी, इस फैसला आने के बाद, इसके बाद 2005 में एक और बहुत बड़ा फैसला सर्वोच्च न्यायालय का आया, इसके बावजूद आज तक प्रभावितों का पूरा पुनर्वास नहीं हुआ है। आज राज्य सरकार का अगर आप देखें, मध्य प्रदेश सरकार, जो नई मध्य प्रदेश सरकार है, वो जो कह रही है ऑफिशियली,
ऑफिशियली वो ये कह रही है कि 178 गांव डूबने आ रहे हैं जिसमें पुनर्वास नहीं हुआ। ऑफिशियली पहले वो ये कह रही थी कि इसमें 6000 परिवार रह रहे हैं, जो अभी वो बताया जा रहा है कि वो ज़्यादा हैं। 6500 प्रकरण हैं जो जीआरए के सामने, ग्रीवेंस प्रोसेसिंग अथॉरिटी के सामने लंबित हैं। 2952 परिवार ऐसे हैं जिनको एक और तरह का पैकेज देना बाकी है। 15000 परिवार ऐसे हैं जिनको और तमाम तरह के पुनर्वास अनुदान नहीं मिले। 30000 से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो अभी घाटी के अंदर हैं, जिनका पुनर्वास नहीं हुआ है। तो ऐसे में पानी को बढ़ाते जाना। अब दूसरा पहलू यह है कि नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी ने पहली बार ये गलत निर्णय लिया कि सरदार सरोवर में 138.68 जो पूरा जलस्तर है भरा जाए, और इस गलत निर्णय का सारा श्रेय जो जाता है वो पिछली सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है, जिन्होंने झूठी जानकारी वहां पे दी, बिल्कुल साफ रूप से कहा कि पुनर्वास पूरा हो चुका है, बैलेंस निल है। ये झूठी जानकारी दी। अगर वो झूठी नहीं होती तो आज मध्य प्रदेश की सरकार, आज मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी क्यों कह रहे हैं कि हजारों परिवार बाकी है? उन्होंने झूठी जानकारी वहां दी। झूठी जानकारी के आधार पर शायद मोदी जी के जवाब में, के दबाव में दी गई, उन्होंने ये निर्णय ले लिया गया कि 138.68 भरा जा सकता है। अब दूसरा, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी ने एक शेड्यूल तय किया। शेड्यूल में ये था कि भाई 31 अगस्त तक 134 मीटर तक पानी भरा जाएगा, 30 सितंबर तक 135, और 15 अक्टूबर तक पूरा पानी भरा जाएगा। आज 6 सितंबर है और आज 134.76 मीटर पानी हो चुका है जी। बिल्कुल मनमानी चल रही है। गेट के दरवाजे, क्योंकि गुजरात के अंदर है, उन्होंने बंद कर दिए हैं, और मनमानी नहीं, मैं तो कहूँगा कि ये सीधी दादागिरी चल रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारे बांध जो बनते हैं, सिंचाई का लाभ मिलेगा, बिजली का लाभ मिलेगा, तब कुछ होगा। केवल एक व्यक्ति है विस्थापित जो इसमें त्याग कर रहा है, उसकी तरफ हम क्यों नहीं देखते? वो कुछ नहीं, आसमान नहीं मांग रहा, कानून में जो लिखा है सिर्फ उतना ही मांग रहा है, उतना दे दीजिए और उसके बाद 100 साल तक आप अपने बांध से बिजली पानी का इस्तेमाल कीजिए। जी विकास जी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह से आलोक जी ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि ये जो भी कुछ है गलत जानकारी दी गई है पिछली शिवराज सरकार ने, क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से जानकारी जो पुनर्वास को लेकर दी गई थी वो गलत थी? नहीं, देखिए महन जी, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने जी, देखिए बांध को भरा जाए ये हमारी नियत इसलिए रही हमेशा, क्योंकि इससे मध्य प्रदेश में बिजली मिलने वाली थी और गुजरात को भी उसकी नहरों के माध्यम से फायदा होने ही वाला था। हमारे भी जो गुजरात से लगे हुए इलाके हैं, गांव हैं, उन्हें इरीगेशन वाटर का भी फायदा होगा। तो देखिए, इसलिए मंशा तो है, थी, और हमने लेकिन काम भी किया। काम यूं किया कि जब भी हमने रिहेबिलिटेशन किया, उसे माननीय उच्चतम न्यायालय, जैसे आलोक जी ने कहा ना कि केसेस, डिफरेंट केसेस पिटीशंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहाँ जब डिसाइड हुए, सुप्रीम कोर्ट जब संतुष्ट हो गया, वहाँ लिस्टें प्रस्तुत हुई कि कब कैसे 750 को क्या मुआवजा होना है, 1500 लोगों को क्या मुआवजा होना है, मुआवजा मिलने वालों के आगे के अधिकार क्या रहेंगे, उन सब पे तसल्ली से काम हो जाने के बाद ही प्रदेश सरकार ने सरदार सरोवर को भरने का काम किया। और इतना ही क्यों, हमने तो नर्मदा के ऊपर इंदिरा सागर डैम बनाया, महेश्वर का बांध आगे बढ़ा, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हमने। ठीक है, दिक्कतें जरूर आती हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं जी एक बात को नोट करिएगा, अगर हम इस नर्मदा वैली में अच्छा काम नहीं कर रहे होते, मतलब डेवलपमेंटल वर्क भी ले लें और दूसरा रिहेबिलिटेशन वर्क भी ले लें, तो मुझे लगता है कि ठीक है, हम 2003 में तो चुनाव जीते ही थे, उसके बाद के चुनाव हम कभी जीत नहीं पाते उन क्षेत्रों में। और देखिएगा, नगरीय निकायों में विशेष करके वहां पे हमारा प्रभाव इन दिनों में बड़ा, इससे पता लगता है कि वहां के लोग संतुष्ट अच्छा काम किया बहुत सारा, लेकिन ये जो अभी जिस तरह की स्थिति है, जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो किस वजह से हैं? अगर अच्छा काम हुआ होता, नहीं नहीं बिल्कुल, अगर आज की सरकार की ये जवाबदारी बनती है कि जहाँ पे बैकवाटर, देखिए पानी बहुत वर्षा, अति वर्षा हुई है इन दिनों में और बैकवाटर है, जो आप देखेंगे कि बैकवाटर का असर इन गांवों में विशेष करके आया है, तो वहाँ सरकार को ध्यान देना चाहिए। और नहायत ज़रूरी है कि जो भी लोग इस मतलब हम तो उस डैम को भर रहे हैं ना, तो मानव निर्मित ही है ये सब काम, तो इस मानव के काम में, मानवीय क्रियान्वित हो रहे इस पानी भरने वाले काम में सरकार को ध्यान देना चाहिए, और दे सकती है वो,
और संवेदनशीलता के साथ में देना चाहिए। सरकार के पास में अपार रिसोर्सेज होते हैं, आप देखें ना 2017 में कैसे 60-60 लाख रुपए तुरंत सरकार के द्वारा दिए गए, जिनको 15 लाख रुपए तय किया सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिए गए, रहने के लिए शेल्टर दिए गए। अगर जो लोग बने बनाए शेल्टर्स में नहीं जाना चाहते थे तो उन्हें प्लॉट्स दिए गए शहरों में, मतलब इंदौर तक में, खंडवा इंदौर जहां जिसको जो प्रॉपर्टी लेना हो वो, मतलब स्वच्छंदता रखी गई कि आप जाके कहीं और बसना चाहते हैं दूर, तो वो भी आलोक जी को मालूम होगा कि लोग उसके लिए भी आगे बढ़े थे। ठीक है, आलोक जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो विकास जी को सूचनाओं का अभाव है। मेरा ये मानना है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने सरदार सरोवर, जो कि एक अंतर्राज्यीय प्रोजेक्ट है, उसमें मध्य प्रदेश के साथ जितना धोखा किया है किसी और मुख्यमंत्री ने नहीं किया। क्योंकि पिछले सालों में जो बिजली का पैसा लेना है 1750-1800 करोड़, वो आज तक नहीं ले पाए। दूसरा है, ये जो डूब आ रही है, ये सब गलत बातें हैं कि इंदौर में प्लॉट और खंडवा में प्लॉट, कोई इंदौर में और कोई खंडवा में प्लॉट नहीं। सर आपको कोई स्वच्छता नहीं, कौन इंदौर में प्लॉट दे रहा है, सब लेंगे, कोई कैश पेमेंट नहीं। देखिए वास्तविकता समझिए, शिवराज सिंह चौहान की सरकार के अधिकारी एनसीए में जाकर उन्होंने ये लिखित में दिया कि पुनर्वास संपूर्ण हो चुका है, जबकि आज वास्तविकता है, आज मध्यप्रदेश का मुख्य सचिव ये कह रहा है कि 12,000 परिवार बाकी है, जो हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन का मानना है कि वो 30,000 है, चलिए 12,000 ही मान लीजिए, मुख्य सचिव ही तो कह रहा है। तो किस तरीके से शिवराज सिंह जी ने कह दिया, मेरा मानना है कि शिवराज सिंह बहुत नर्मदा नर्मदा की बात कर रहे हैं, आज पूरी नर्मदा घाटी में डूब आ रही है और शिवराज सिंह चौहान एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, पूरी यात्रा करते हैं, वो पूरा ढोंग किया जाता है, नर्मदा और नर्मदा से उनको कोई लेना देना नहीं। जहां दूसरी बात, ये चुनाव की बात ये कर रहे हैं, देखिए नर्मदा घाटी फैली हुई घाटी है, वो कोई एक विधानसभा में केवल विस्थापित चुनाव तय नहीं करता है, पर इन विस्थापितों की दर्द की आवाज जरूर चुनाव पैदा कर देगी, चुनाव के रिजल्ट्स पैदा कर देगी। तो बिल्कुल साफ है कि पिछली भाजपा सरकार ने मोदी जी के दबाव में मध्य प्रदेश के साथ खुला धोखा किया, मध्य प्रदेश के लाखों विस्थापितों के साथ धोखा दिया। उनकी जानकारी यह भी गलत है, महेश्वर बांध पिछले 20 साल से ठप पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है उसके अंदर, तो ये सारी जानकारियां नहीं। और हम बिल्कुल साफ ये कह रहे हैं कि आज सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि कम से कम 15,000, आंदोलन के हिसाब से कम 30,000 लोग प्रभावित हैं जिनका पुनर्वास नहीं हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, नर्मदा ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार किसी भी कीमत पर पानी एक भी इंच आगे इसमें भरा नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल, बिकॉज ये सवाल तो उठते हैं क्योंकि जब ये कहा जा चुका है कि सबका पुनर्वास हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जब आंकड़े सामने आते हैं उसमें ये निकल कर आता है कि अभी भी विस्थापित लोगों की संख्या करीब 12,000 है सरकारी आंकड़े जो बताते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। नहीं देखिए मैन जी, जिस लेवल तक पानी भरा जा रहा था उस लेवल तक रिहैबिलिटेशन किया गया, लोग चाहते थे कि उतने लेवल तक के हट जाएं पहले, वैसा ही काम किया गया। अब इस साल चूंकि पानी बैकवाटर खास करके ऊपर तक और गया है, और मुझे लगता है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार को लगता है कि नहीं इसमें अभी रोकना जाना चाहिए, तो उन्हें अपना जो प्रबल दावा है वो विभिन्न फोरमों पे प्रस्तुत करना चाहिए। मध्य प्रदेश शिवराज जी का कुछ बोले सर, शिवराज जी के बोले का सवाल नर्मदा के भक्त बहुत अच्छे, गवर्नमेंट नर्मदा के लोग डूब रहे हैं। देखिए देखिए शिवराज जी चुप क्यों बैठे हुए हैं, नहीं हम नर्मदा की भक्ति कहाँ चली गई, लोग भाई हम कह रहे हैं चुप बैठे, एक संवेदनशीलता नाम की चीज नहीं करना ही चाहिए। अरे बात शिवराज जी भी तो घूम रहे हैं, गुजरात गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। अरे किसी कोर्ट के दरवाजे कोई पहले भी आप बीमार हो जाता है तो शिवराज सिंह चौहान सरकार के ऊपर आरोप लगा देते हैं। नर्मदा घाटी में 32,000 परिवार डूब रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं, कहां गई नर्मदा की भक्ति? 6,000 करोड़ रुपया लगाकर आपने जनता के पूरे नर्मदा यात्रा की, जिसका एक पौधा आज आपको मिलेगा नहीं, सारा ढोंग किया, और आज आप एक शब्द नहीं बोल रहे नर्मदा विस्थापितों के लिए, क्योंकि डरते हैं आप मोदी जी से। नहीं 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 ऐसा बिल्कुल ऐसा कहीं विषय नहीं है, ये विषय बिल्कुल साफ है। अगर कोई नर्मदा का विषय है तो माफ नहीं करेंगे, और करते ही है और करना ही है। नहीं बोलिए, हाथ जाके बोलिए कि कुछ बोल दे ना, अगली बार इतनी सीट नहीं आएंगी, आप चुनाव की बात कर रहे हैं ना। सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक ढंग से रिहैबिलिटेशन करना चाहिए उन्हें, लेकिन इसमें स्पीड होनी चाहिए। इससे जो वर्षा काल है जिसमें पानी संग्रहित हो सकता है वो निकल जाएगा, फिर क्या स्पीड लीजिएगा आप? ये पानी एक अच्छा दूसरी बात, क्लेरिफिकेशन कर दूं कि ये बैक वाटर नहीं है,
ये पानी बांध में भरा जा रहा है, ये पानी बांध का स्तर बढ़ता जा रहा है, ये बैकवाटर नहीं है। बैकवाटर ये होता है कि जब पानी का स्तर जहां रहता है पीछे का पानी आता है उसके कारण जो बढ़ता है, ये परमानेंट सबमर्जेंस आ रही है, ये परमानेंट सबमर्जेंस आ रही है, ये वापस नहीं होगी, ये वापस कभी नहीं होगी। और शिवराज सिंह चौहान को जो पुनर्वास करना था उस पुनर्वास को जीरो बनाकर मंजूरी दिलवाकर उन्होंने सबसे बड़ी नर्मदा में हत्या करने अच्छा, का आलोक भाई बताइए आप जी, जी, जब 2017 में बात हुई थी तो किस लेवल तक पूरे लेवल के रिसेटलमेंट की बात हुई, पूरे 100% के आप जो 130 तक गए हमारा ही केस था 8 फरवरी 2017 का जो सुप्रीम कोर्ट में आदेश हुआ था, जो सारी बहस हुई थी वो पूर्ण जलाशय स्तर 138.68 तक की हुई थी, किसी भी बांध में पार्शियल सबमर्जेंस की बात ही नहीं होती है, पूरी बात होती है। ट्राइब्यूनल ने यह कहा है कि जब तक संपूर्ण पुनर्वास ना हो जाए, डूब आने के एक साल पहले उसको सूचना देंगे, डूब आने के 6 महीने पहले उसका पुनर्वास हो जाना चाहिए और उसके बाद डूब आनी चाहिए। आपने सारी झूठ बोला, आपने एनसीए में बार बार झूठ बोला, आपने कहा कि जीरो पुनर्वास हुआ, लोग 30,000 लोग घाटी में बैठे थे, आप कह रहे थे कि हमारा अच्छा, पुनर्वास पूरा हो गया। लोग भाई में बात कर रहा हूं, वो तो आपका ऐसे ही है कि आपने कह दिया सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है बताता ना, जो जो इंटरेस्टेड पार्टीज थी, जो किसान थे, जो उस गांव के रहवासी थे, वो गए थे ना, कोर्ट ने ही तब डिसाइड किया था, कोर्ट ने थोड़ी डिसाइड किया था पानी भर दीजिए। नहीं भाई साहब, गुजरात गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है, नर्मदा प्राधिकरण की शर्तों का उल्लंघन गुजरात सरकार कर रही है, वक्त से पहले उसने बांध को भर दिया, ये वजह है जिस तरीके से लोग आज जो पुनर्वास जो है ना विस्थापित है उनका पुनर्वास नहीं हो पा रहा। एक बात बताइए, अगर कोई भी आज कमलनाथ जी ने चिट्ठी लिखी है इस बात को लेकर, इसकी बैठक बुलाइए, आप भरते जा रहे हैं आपकी गुजरात में आपकी सरकार है, गुजरात में आपकी भाजपा सरकार है, और नहीं क्यों पॉलिटिकल नहीं करें, मोदी जी को इससे हस्तक्षेप करना चाहिए, मोदी जी क्यों नहीं बोलते इस मामले में, अरे हर चीज कोर्ट के घर में आग लगी होती, कोर्ट नहीं जाया जाता, थाने जाते हैं के आदेशों के मुताबिक ही आगे नहीं। 2017 में भी उसी मुताबिक हुआ है, नहीं नहीं गलत आपने आदेश पढ़ाई नहीं जी, ठीक। चलिए फिरोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो फिरोज जी से भी जान लेते हैं। फिरोज जी, अब जिस तरह की यहाँ पर स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं, जो हालात हैं वो सभी जानते हैं कि जिस तरह से डूब क्षेत्र में आ गए, लोग बेघर हो रहे हैं, तो अब सरकार किस तरह के कदम उठा रही है इसको लेकर, पुनर्वास को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? देखिए, जब प्यास लगे तो कुआं नहीं खुदता, ये आप समझ लीजिए। गुजरात सरकार ने जब नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की बैठक हुई थी उसमें ये बात हुई थी जो आलोक अग्रवाल जी कह रहे हैं, उसी को लेके आज कमलनाथ जी ने फिर चिट्ठी लिखी है केंद्रीय मंत्री को और कहा है कि इस मामले में गुजरात, ये नर्मदा नियंत्रण जो प्राधिकरण है इसकी बैठक बुलाइए, ये गुजरात सरकार करके आ रही है, डैम पे डैम भरते चले जा रहे हैं, आप पीछे जो है पानी जो है लोग विस्थापित नहीं हुए हैं, लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ है और लोगों के जो है घरों में पानी आ रहा है। तो जो आलोक अग्रवाल जी की बात है वो बिल्कुल सत्य है, 1800 करोड़ रुपए इनकी सरकार ने विस्थापन के नहीं दिए जो केंद्र सरकार को देना थे। छा कमीशन ने बताया कि इन्होंने फर्जी रजिस्ट्रियां कराई हैं, भाजपा की सरकार ने लोगों की, एक झा कमीशन की फाइंडिंग है, टेबल कुर्सी तक के लिए उन्हें हाई कोर्ट में झा कमीशन को गुहार लगानी पड़ी कि साहब कार्यालय टेबल कुर्सी तो मुझे मुहैया करा दीजिए, ये स्थिति है इनकी। मोदी जी फोटो देते हैं कि देखिए नर्मदा का विहंगम दृश्य, तो क्या मोदी जी ये बड़वानी तक नहीं आ सकते हैं कि आप भी देखिए कि क्या हाल हो रहा है लोगों के, जिन लोगों ने आपको पूर्ण बहुमत की सरकार दी है, तो आप क्या मजा चखा रहे हैं आप पूर्ण बहुमत की सरकार का? आप ये बताइए कि इतने 30,000 लोग नहीं किया आपने, देखिए गर्मी में, देखिए क्यों नहीं किया, सुन लिए, ऐसा है कि आप जो चीज है नियम शर्तों के मुताबिक जो आलोक अग्रवाल जी ने कहा है कि जब पूर्णतः विस्थापन हो जाए, एक साल का टाइम पीरियड आप लोगों को दीजिए, नोटिस दीजिए, और जब पूरा एरिया क्लियर हो जाए उसके बाद आप डैम भरेंगे। आपने 134 मीटर तक भरना था, वो प्रस्तावित था, आपने अभी 135 के ऊपर ले गए ये डैम को, और भरते चले जा रहे हैं, वहां गेट ही नहीं खोल रहे हैं डैम के, तो क्या होगा, लोग मरेंगे नहीं क्या?
तो बिजली का नुकसान अलग हो रहा है और बिजली का नुकसान अलग कर रहा है। मजे की बात आप ये देखिए कि पिछली एनसीए की बैठक में जब ये बात आई कि भाई हमें रिवर बेड पावर हाउस को बंद करना है तो मध्यप्रदेश ने ऑब्जेक्ट किया क्योंकि उसकी बिजली जा रही थी, महाराष्ट्र ने ऑब्जेक्ट किया क्योंकि उसकी बिजली जा रही थी, पर इनको तो किसी को सुनना ही नहीं है। केंद्र सरकार में कुछ सुनना नहीं है। एनसीए का जो सेक्रेटरी है वो मोदी जी के वो हैं, उन्होंने निर्णय ले लिया नहीं वो भरा जाएगा। तो ये जो पूरा काम है एनसीए द्वारा करा जा रहा है ये गुंडागर्दी है, मैं तो कहूंगा दादागिरी से ज्यादा। मतलब आप एक तरफ लोगों को डुबोते जा रहे हैं क्योंकि आपके पास गेट है। इस देश में कोई कानून और व्यवस्था का राज है कि नहीं राज है? लोग डूबते चले जा रहे हैं और आपने कह दिया हम तो गेट नहीं खोलेंगे, बढ़ता जाए तो बढ़ता जाए पानी। गरीब क्योंकि गरीब है ना बेचारे, गरीब है हमारे किसान है आदिवासी है, ठीक तो उसके पीछे मोदी जी को संवेदना नहीं, उन्हें तो बिजली अंबानी और अडानी को देनी है, उन्हें तो बिजली उद्योगपतियों को देनी है। की बैठक में सरकार अपना पक्ष रखने में नाकाम साबित हो रही है क्या, क्योंकि बार बार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। एनसीए की बैठक ही नहीं हो रही साहब, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है, बैठक करके तुरंत इसकी बैठक में बताता हूँ बैठक के बारे में हुई कि नहीं हुई। बैठक 15 अप्रैल को हुई, उसके बाद जब मध्य प्रदेश सरकार ने 27 मई को ये पत्र लिखा ये कहते हुए कि भाई 6000 परिवार वहां पर मौजूद हैं, 6500 परिवारों का पुनर्वास का केस जीआरए के सामने लंबित है, 2952 परिवारों का और कुछ बाकी है, इसलिए तत्काल एक बैठक बुलाई जाए और पानी भरना रोका जाए। तब 21 अगस्त को बैठक तय हुई और उसके बाद अचानक 20 अगस्त को उन्होंने बैठक कैंसिल कर दी। वो बैठक कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि बैठक में उनको मालूम है कि वास्तविकता है। अब मध्य प्रदेश सरकार झूठ नहीं बोलेगी, तब तो शिवराज सिंह चौहान पे दबाव मानकर आपने जो चाहे वो लिखवा दिया, जीरो पुनर्वास हुआ है आदि हुआ है जो कुछ हुआ है। अब वो मध्य प्रदेश विस्थापितों का पक्ष रख रही है इसलिए वो बैठक ही नहीं बुलवा रहे हैं और शुद्ध रूप से मानव हत्या का काम मोदी जी और की केंद्र सरकार और गुजरात सरकार मिलकर कर रही है। जी विकास जी, सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं केंद्र सरकार पर और पिछली सरकार पर दादागिरी का आरोप लग रहे हैं। जी बेसिकली ये एक संघीय व्यवस्था में हमारे प्रदेश के संघर्ष का औचित्य और प्रश्न है, है ना, पॉलिटिकल नहीं। ठीक है, हर स्टेट अलग अलग सरकारें अलग अलग पार्टीज की सरकारें हो सकती है, हर प्रदेश अपने हित को सर्वप्रथम देखेगा। हमारे हितों को किसे रखना है, हमारी सरकार को रखना है, ये सब मेरे फिरोज भाई जो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं मोदी जी ऐसे गुजरात ऐसा, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट है ना, पहले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ही नर्मदा घाटी में डैम में बनाए गए हैं, भरे गए हैं, रिहेबिलिटेशन के काम हुए हैं। फिरोज भाई को आज सुप्रीम कोर्ट नहीं दिख रहा है क्या, अगर ऐसा है तो? और चूंकि इन्हें मालूम है कि वैधानिक रूप से ये कमजोर हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एनसी जो भी आपके रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो ऑलरेडी तय कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, सरकार फेल्यूर हो रही है और कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। सरकार के मंत्री क्या कहते हैं, हम गेट बंद कर देंगे, नर्मदा का पानी रोक देंगे, सरदार सरोवर में पहुंचने नहीं देंगे, ये क्या संघीय व्यवस्था में कम्युनिकेट करने के तौर तरीके हैं क्या? और इससे पानी रोक देंगे तो आपके पास कैपेसिटी है क्या पानी भरे रखने की? जी, और बारिश ऊपर से लगातार हो रही है। मुझे लगता है कि एक बेहतर कम्युनिकेशन करना चाहिए, एक रास्ता निकालने का प्रयास करना चाहिए ताकि आज जो वहां के बेहतर रिहेबिलिटेशन चाहने वाले लोग हैं जो पीड़ित हो रहे हैं उन्हें सहायता मिल सके। जी फिरोज जी, कहीं ना कहीं सवाल सरकार पे भी उठता है क्योंकि 9 महीने हो चुके हैं सरकार को बने हुए, लेकिन इस दिशा में सरकार की तरफ से भी कोई ठोस कदम उठता दिखाई नहीं दे रहा। अब जाके सीएम चिट्ठी लिख रहे हैं, देखिए लेकर जब एक बार शर्तें तय हो गई जी तो अगली सरकार भी जो है संवैधानिक सरकार है, संविधान से बंधी हुई है, उसको संघीय ढांचे का आदर रखते हुए जो अपना पड़ोसी राज्य है उसको देखते हुए ये ध्यान रखना चाहिए। जब 134 मीटर फिक्स थी कि आप 134 मीटर से ज़्यादा नहीं भरेंगे, अभी की स्थिति में 135.6 मीटर हो गया और कंटिन्यूस भर रहा है। फिर गुजरात कैसे कर रहा है काम? अभी जो नर्मदा में बाढ़ सुप्रीम कोर्ट खुलेगा ना मंडे को, जी आप सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए।
आप हर बात को सुप्रीम कोर्ट में कैसे भाई, अगर कानून का राज है जी, और जी, अगर हम सही हैं तो हमें क्यों नहीं जाना चाहिए भाई, सुप्रीम मेरा कोर्ट में? आप ये बताइए मोदी जी क्या कर रहे हैं? पहले मोदी जी को कह रहा हूँ कि ये मोदी जी का आपने 1800 करोड़ मोदी जी ने 1800 करोड़ हमारे विस्थापितों के लिए। विकास जी बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात बताइए, मैं बता रहा हूँ नियमों को हम पूरा पालन नहीं कर रहे शब्दों का, और विकास जी गड़बड़ है कि इस पूरे मुद्दे पर पूरे मीडिया में मध्य प्रदेश सरकार के पत्रों में ये सारी जानकारियां आ रही हैं कि पुनर्वास नहीं हुआ है। इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है, ना केंद्र सरकार डिनाई कर रही है, ना गुजरात सरकार डिनाई कर रही है। क्या सरकारें चाहे हर व्यवस्था क्या सुप्रीम कोर्ट से चलेगी? ये चुनी हुई सरकारों का काम क्या कोई और विस्थापित कुछ नहीं मांग रहा, एक चीज नहीं मांग रहा, जो केवल कानूनी अधिकार है वो सिर्फ मांग रहा है वो और ये सरकार मध्य प्रदेश की सरकार को व्यवस्थाएं कर भाई, भाई। और एक बात और ये ईंट और पत्थर नहीं है ये, जब अगर आप 18,000, 20,000, 30,000 परिवार बोलते हैं तो जीते जागते लोग हैं जो जी रहे हैं, जिनकी फोटो आप यहाँ देख रहे हैं लोग भाई, भावनात्मक कारण भी होते हैं घर छोड़ने के और उससे दुखी होने हर, के बिल्कुल होते हर व्यक्ति को क्या नहीं मिला है, मैं आपको पूरी लिस्ट दे सकता हूँ। मेरी बात तो पुनर्वास व्यवस्था आज की प्रदेश सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। सर्वप्रथम सर्वप्रथम नहीं है उसके लिए क्या करना, विकास भाई मुझे बोले, सर्वप्रथम तो शिवराज सरकार जो है वो दोषी है, उसने अपने मध्य प्रदेश के हितों को अनदेखा करते हुए, शिवराज जी चूंकि ये डरते थे कि मोदी जी मेरी कुर्सी ना छिना ले तो उन्होंने आंख बंद करके दस्तखत कर दिए। गुजरात को ये परमिशन क्यों दी गई, जब ये डैम बना था तो 134 मीटर की हाइट फिक्स की गई थी, जब 1975 में इस डैम का जो क्या नाम से भूमि पूजन हुआ था, जब 134 मीटर इसकी हाइट फिक्स की गई थी। गुजरात ने इसको 138.9 पे बेहतर बताएंगे, और ज्यादा थी जब भूमि पूजन हुआ था। सुन लीजिए आप, ये 144-147 सुन लीजिए, और विस्थापनों को लेके और इसकी हाइट बढ़ाने को लेके जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो इन्होंने पूरे के पूरे हमारे विधायक जेल में बंद कर दिए थे, आपको याद होगा, और हमारे विधायकों ने भारी गमन कर सदन से बाहर निकल के पैदल मार्च किया था तो पुलिस ने उठा के सबको बंद कर दिया था, आपको ये याद है? हमारे पूरे विधायक वहां गए थे विस्थापन का कार्य थे। सुन लीजिए भाई, तथ्य के कारण नहीं होता वो, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के कारण होता है। सुन लीजिए, अरे आप सुन लीजिए ना, पहले आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं आज विकास जी, तो ये समस्या है। आप जो है ऐसी तो कोई विदेश की सरकार भी नहीं करेगी, अरे ये हमारे अपने लोग हैं, चाहे गुजरात के हो या मध्य प्रदेश के हो, आप देखिए हालात, देखिए लोगों के कि किस तरीके से लोग बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, आपने उनको ऐसी भरी बारिश में उनकी ना छत तक छिना ली, आप क्या जरूरत है सवाल की सरकार को व्यवस्थापन आप बत्तीस मध्य प्रदेश 3,200 करोड़ की मोदी जी 3,200 करोड़ की मोदी जी मूर्ति लगवा सकते हैं 1800 करोड़ रुपए। फिरोजी सवाल ये है, अगर आप कह रहे हैं कि गुजरात सरकार मनमानी कर रही है, केंद्र सरकार मनमानी कर रही है, तो इस तरह की स्थिति में तो आप सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं, जब पूरी तरीके से आपका साथ नहीं दिया जा रहा है प्रदेश सरकार का, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट तक तो जा सकते हैं, तो आप जाएंगे इसके बाद क्या कर सकते हो? जब आप गुहार लगाओगे, मोदी जी इस भाव से काम कर रहे हैं कि जो दूसरे प्रदेशों की सरकार है तो आपने विपक्ष की सरकार क्यों चुन ली, उस भाव से आप काम कर रहे हैं, आपको भारत का नागरिक नहीं दिख रहा, वो मध्य प्रदेश और गुजरात ही दिख रहा है आपको, तो आप जब लोगों को स्टेट वाइज फर्क कर रहे हैं तो अंतिम में कमलनाथ जी को यही काम करना पड़ेगा कि हमको जो है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और इससे दो राज्यों के बीच के संबंध बिगड़ेंगे। ये आज की बात नहीं है, ये आगे आने वाले समय में भी ये जो है मुद्दा एक मुसीबत बन जाएगा, जैसे कावेरी का विवाद होता है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, तो ये ऐसे विवाद होते रहेंगे हमेशा। देखिए, नर्मदा के ऊपर और नर्मदा के पानी के ऊपर विवाद से डरने का कोई विषय नहीं है, या कोर्ट के माध्यम से या ट्राईपार्टी किसी को ट्रिब्यूनल में जाने का कोई डर का वजह नहीं है, केवल एक्सक्यूज हो सकता है। अनेकों बार शुरुआत से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एक दूसरे के सामने अपने हितों के लिए संघर्ष करते रहे हैं,
तो ये कोई वजह नहीं है कि संबंध खराब हो जाएंगे। और संघीय ढांचे में बहुत सारे प्रदेश एक दूसरे के खिलाफ भी और केंद्र सरकार के खिलाफ भी, लेकिन आपके मुद्दे सही होने चाहिए। विकास जी, विकास जी, मुझे एक बात बताइए, मुझे दो लाइन बोलो। बिहार जी क्या संदेश लेके गए थे मेगा जी, अरे आप कमलनाथ जी का, और क्या दिलासा दे के आए उन्होंने? हम दो मिनट रुक जाइए, आप मुझे बोलने दीजिए। कर रहे हैं फिर क्या कह के आए थे बताइए ना आप मेगा जी के पास, बिहार जी क्या कह के आए, आप ये बताइए पहले, फिर बाकी बात। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि आप मानवता का जो नजरिया होता है वो मानवता का नजरिया देखना चाहिए। आपने अगर विस्थापन नहीं हुआ तो आप ये लेके ये गेंद उसके पाले में और वो गेंद इसके पाले में। अगर आज मध्य प्रदेश सरकार ये कह रही है कि आप 134 मीटर से ऊपर मत जाइए, यहाँ लोगों का क्षेत्र जो है वो डूब में आ रहा है, तो आपको ये बात माननी चाहिए, क्योंकि अब ये लोगों को कहाँ लेके जाएं। देखिए समाधान क्या हुआ, आप जैसा पूछ रहे हैं, समाधान पहला ये, देखिए समाधान सब कुछ कानून के अंदर है। कानून नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने तय कर दिया है, 2000 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कहा ये एक डिक्री जैसा है, कानून जैसा है, इसलिए इसको बदला नहीं जा सकता। वो ये कहता है कि पुनर्वास के पहले डूब नहीं आ सकती, करना क्या चाहिए, तत्काल पानी पे रोक लगे, पानी को वापस किया जाए। देखिए 100 पिछले साल 131 था, उसमें भी डूब आई हुई थी, अब तो 134.76 हो चुका है, पानी को वापस लाया जाए। पहला काम बिजली बनानी चालू कीजिए, आप बिजली गुजरात को भी मिलेगी, मध्य प्रदेश को भी मिलेगी, महाराष्ट्र को भी मिलेगी, तीनों को बिजली मिल रही है। मध्य प्रदेश का जो 1700-1800 करोड़ बकाया है उसको वापस दिया जाए। फिर एक साल में पूरे क्रमबद्ध तरीके से आप पुनर्वास पूरा कर लीजिए, पुनर्वास एक साल में पूरा हो जाएगा, उसके बाद प्रेम से भरिए ना, खुशी से विदा करिए लोगों को और खुशी से भरिए, विकास की परियोजना है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2000 के आदेश में एक बहुत बढ़िया बात कही थी, हम लोगों ने चैलेंज किया था कि भाई ये आर्टिकल 21 जो जीने का अधिकार है उसका उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं उल्लंघन नहीं है, पर टेस्ट ये है कि विस्थापित को पुनर्वास के बाद पहले से बेहतर स्थिति में होना चाहिए, क्योंकि विकास का लाभ उसको भी मिलना चाहिए। आज ये कि विस्थापित बर्बाद हो रहा है, तो इसको आप सुनिश्चित कर दें, इसमें कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, देश के सारे नागरिक हैं। तो मेरा सुझाव हमारे भाजपा के साथी को यह है कि वो मोदी जी तक कहीं सूचना करवा दें, गुजरात तक सूचना करवा दें कि भैया रोको, थोड़ा पीछे जाओ और पुनर्वास कर लो। और शिवराज सिंह जी से जरूर जरूर ये कह दें कि वो नर्मदा जी की बहुत बड़े भक्त हैं, एक बयान तो दे दें नर्मदा विस्थापितों के लिए। मेरा कांग्रेस के साथियों से जो ये कहना है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कांग्रेस की नई सरकार ने बहुत अच्छी भूमिका ली है और वो लड़ाई लड़ रही है इस समय। मेरा एक सुझाव है कमलनाथ जी के लिए, दो सुझाव है सर। एक तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं तत्काल, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे कहने से और विकास जी के कोई प्रयास अगर उन्होंने बहुत सीरियसली किया भी तो कोई मोदी जी हिलने वाले हैं, वो तो हिलते ही नहीं है। तो आप जरूर सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, और दूसरा कमलनाथ जी से कहिए कि एक दिन का सांकेतिक उपवास वो करें, एक दिन के सांकेतिक उपवास से पूरे प्रदेश की जनता को ये संदेश आ जाएगा कि ना सिर्फ नर्मदा के विस्थापित, आप पूरे प्रदेश की आम जनता के साथ एक मुख्यमंत्री खड़ा है। जनता को ये समझ में आना चाहिए कि उनकी चुनी हुई सरकार उनके लिए है, उनकी हमदर्द है और उनका ही काम कर रही है। जी बिल्कुल। विकास जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अगर बात की जाए कुछ समय पहले की, केंद्र में गुजरात में और मध्य प्रदेश तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो जिस तरह की जो परेशानियां जो अभी आ रही हैं, ये तो आनी नहीं चाहिए थी, जो भी परेशानियां थी हल हो जानी चाहिए थी, क्योंकि सभी जगह एक ही नेतृत्व था। बहन जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमेशा विकास की ओर देखती रही हैं, और जो विकास में अपना त्याग देंगे उनका बेहतर रिहैबिलिटेशन हो, जैसा आलोक जी कह रहे हैं। नहीं नहीं देखिए, हुआ ना, एक बात बताइए, कांग्रेस की सरकारों के वक्त भूमि पूजन हुआ था, इन सब योजनाओं का, इंदिरा सागर परियोजना हो, सरदार सरोवर परियोजना हो, लेकिन क्या हुआ, कहीं कोई गति मिली क्या? इनको गति कब मिली? मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर को ले लीजिए आप, 2003 के बाद में बेसिक काम, मतलब पानी भरने का तो दूर, उसका तेजी से बनने का काम, निर्माण का काम भी उसके बाद हो पाया। यही स्थिति सरदार हरसूद डूब गया था दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, खोली कैसी बातें करते हैं आप। और इन्होंने रेलवे लाइन की टेस्टिंग पूरा, इन्होंने रेलवे लाइन की टेस्टिंग नहीं की, और रेलवे लाइन चूंकि शिफ्ट होना थी और केंद्र में अटल बिहारी जी की सरकार थी, इन्होंने रेलवे लाइन की टेस्टिंग नहीं की, इसलिए रेलवे की आपत्ति के कारण हम फिलिंग नहीं कर पा रहे थे। दो बातें, ये हकीकत है, पूछ लीजिए आलोक जी अगर
अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आलोक जी से पूछ लीजिए। आलोक जी से ही पूछिएगा, आपने कितना काम किया पिछले 40 सालों 50 सालों में नर्मदा के ऊपर, जब से भूमि पूजन हुआ। मैं तब की बात कर रहा हूं, मैं जनरल नरेशन में तो जा ही नहीं रहा अभी। तो पर्टिकुलरली आप देखिए, जो 2017 का पैकेज था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और मॉनिटरिंग में जो दिया गया था, उस लेवल तक बसाहट कितनी अच्छी हुई धुर में। और सरकार, प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ के, मैं जो जिक्र कर रहा था कैसे प्लॉट्स दिए, कैसे जिसको प्लॉट्स नहीं चाहिए थे डेवलप्ड एरिया में उसे कैश अमाउंट दिया गया है। साहब आपने ये तो बहुत आसान है, कमीशन की रिपोर्ट है, मैं वही कह रहा हूं। अरे झा कमीशन कह रहा है, जो आपके विधायक आज कांग्रेस नहीं कह रही है, झा कमीशन कह रही है, कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के मंत्रियों के लिए कह रहे हैं। आप झा कमीशन कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आपने फर्जी रजिस्ट्रियां कराई है वहाँ, आप बंदर बांट हुई है अधिकारियों ने और भाजपा के नेताओं ने ये काम किया है। झा कमीशन ने पर्टिकुलरली केसेस में पॉइंट आउट किया क्या ये भाजपा के नेता कार्यकर्ता थे? अब आप वकालत कर लीजिए, नहीं नहीं नहीं, अब आप वकालत कर लीजिए, अदालत थोड़ी लगी है सर। अरे केवल आरोप लगाने से कौन था आरोप में, अब यहाँ अदालत नहीं है, इसलिए आप मानहानि का मुकदमा लगा नहीं सकता, मानहानि का मुकदमा लगा नहीं सकता, मुंह का कुछ भी बोल सकते हैं, फर्क उससे नहीं पड़ता है। आप झा कमीशन की ये रिपोर्ट नहीं, है कोई, या नहीं कोई है? रिपोर्ट नहीं है ऐसी, कोई रिपोर्ट नहीं है, 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 है। और सुनिए आप, कर रहे हैं सुनिए आप, सुनिए ना मेरी बात, आपकी सरकार मामा जो है मुंह से भी नहीं बोलेंगे विस्थापितों के लिए। अच्छा, सुनिए ना, ठीक है, और जांच भी नहीं करा के गए वो, इस काम तो बताइए आपके विधायक गुजरात की आंख बंद करके दस्तक कर लिया है। मैं फिर थोड़ा सा करंट पे आ रहा हूँ। शुक्ला जी आपके विधायक हैं, वो मंत्रियों के ऊपर विधायकों के ऊपर रोज भ्रष्टाचार के कसीदे प्रमाण लाते हैं, जांच करवा देंगे। अरे तो फिर प्रमाण लाते हैं, तो वैसा यहाँ तो वैसा, इसलिए हाँ इसलिए रही है ताकि आप वहाँ पे कुछ भी बोलते रहे, ऐसा नहीं चलेगा ना। देखिए वहाँ पे आप भी प्रमाण लाइए, सामने रखिए और देखिए। आलोक भाई ने तो बहुत नजदीक से देखा होगा, अगर कोई प्रशासनिक अनियमितता हुई है तो उसे सरकार पे मत थोपिए। केवल सरकार ने भलीभांति काम किया, प्रशासनिक अनियमितता आई है तो उस पर भी जांच करके कार्रवाइयां की गई हैं। तहसीलदारों को पनिश किया गया है उस क्षेत्र के, अगर वहां गड़बड़ियां आई हैं तो आलोक जी आपको तो मालूम होगा, तहसीलदारों तक को पनिश किया गया है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मुझे लगता है कि प्रदेश का जो भी आज की वास्तविक स्थिति दिख रही है कि हम नहीं कर पाए, अगर मान लीजिए फिरोज भाई आप 8-9 महीने में, हमारे पास वक्त था ना, ये तो वर्षा काल नहीं था, अलार्म तो वहां पे जला हुआ था, जगा हुआ था। अच्छा फरवरी में अप्रैल में तय हो गया था ट्रिब्यूनल के द्वारा भी। और देखिए क्या कह रही है गुजरात की सरकार, अगर हम उसको एकदम सिरे से खारिज कर देंगे तो नहीं चलेगा ना। अगर वो कह रहे हैं कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज को क्या तय करना है, कितना उन्हें मानना है, अगर हमें प्रदेश का संघर्ष करना है तो यकीनन फिरोज भाई से मैं निवेदन करूंगा कि उनकी सरकार को न्यायिक स्टेप उसके ऊपर लेना चाहिए। क्यों नहीं लेती है? केवल राजनीतिक आरोप से काम थोड़ी चलेगा। आपने एक बात बताई है, मेगा जी 14 अगस्त से वहां पे हैं, आपने क्या किया पिछले 17-18 दिन में, क्या काम किया? ठीक है, मैं अपने मित्र बोंद्रिया जी से ये कहता हूँ कि जो लोग आज डूब रहे हैं, जिनकी आज ये स्थिति है, तो आप काम नहीं कर रहे, कुछ इसलिए डूब रहे हैं। अरे आप इस ढंग से, अरे महाराज आप सुनते नहीं है ना, यही तो दिक्कत है कि जो लोग आज डूब रहे हैं, जो ये गरीब लोगों की, हमारे किसानों की जो स्थिति है, आप कांग्रेस बीजेपी का झगड़ा छोड़ के, मैं कहा कर आप मैं ये कहता हूं आप भी आपके प्रदेश करिए, आपके प्रदेश अध्यक्ष एक चिट्ठी क्यों नहीं लिखते मोदी जी को, एक आपके आपके शिवराज सिंह जी या आपके जो सांसद हैं 27-28 सांसद हैं, वो जाके मोदी जी के सामने क्यों नहीं कहते कि साहब गुजरात सरकार को बोलिए कि ये गेट ओपन करें आपने, और अभी हमारे लोग डूब रहे हैं, साल भर बाद जब इनका पूर्ण विस्थापन हो जाए, अभी आप गेंद बोल लूं, गेंद बोल लूं, जी अपने 10 साल के कार्यकाल में कोई विस्थापन नहीं कर पाए थे, जीरो व्यवस्थापन के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए इस चीज को समझिए, ऐसा नहीं होता है कि अधिकारी कुछ कर रहे होते हैं या प्रशासनिक व्यवस्था ने कुछ गड़बड़ कर दिया होता है, अधिकारी पॉलिटिकल विल जो होती है उसके हिसाब से काम कर रहे होते हैं। एनसीए एक बहुत बड़ी बॉडी है जिसमें 4 राज्यों के प्रतिनिधि हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और केंद्र सरकार। उसमें जो भी अधिकारी जाते हैं वो राज्य सरकार क्या तय कर रही होती है उसको लेकर जाते हैं और अपना पक्ष रखते हैं वहां।
मध्य प्रदेश के से जब भी जो अधिकारी गया उसको शिवराज सिंह सरकार ने साफ ये कह दिया, क्योंकि उनको ये कहा गया मोदी जी और गुजरात के द्वारा कि हमें इस बांध से राजनीतिक फायदा गुजरात में लेना है, इसलिए आप ये कह दीजिए कि पुनर्वास संपूर्ण हो चुका है, जबकि वास्तविकता ग्राउंड पे ये थी कि हजारों परिवारों का पुनर्वास नहीं हुआ था। जहां ये सुप्रीम कोर्ट का दावा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि भाई 781 परिवार एक है, 1501 है, पर ये फिगर्स टेंटेटिव हैं, जो लोग वो पात्रता रखते हैं वो जीआरए के सामने जाए। 6,500 केसेस जीआरए के सामने गए, इनमें से भी अभी 3,000 लोग बाकी है। तो ये एक बड़ा वो था, और शिवराज सिंह चौहान जी को चाहिए था कि वो अपने प्रदेश के जनता का हित ईमानदारी से रखते, ना कि मोदी जी के गुजरात का राजनीतिक हित को ध्यान में रखते। और मैं कह रहा हूं अभी क्या देर हुई है, अगर अभी भाई अभी ह्यूमन ट्रेजेडी हो रही है, पूरे मीडिया में दिख रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि शिवराज सिंह की चुप्पी ये बताती है कि उन्होंने पिछली सरकार में रहते हुए धोखा किया था जी। आज बोले ना शिवराज सिंह चौहान, आज वो लिखे मोदी जी को कि हमारे प्रदेश की जनता बिना पुनर्वास के डूब रही है। और मैं कह रहा हूँ कि जब ये साफ हो चुका है, एक ही मिनट, लास्ट लाइन में कह रहा हूँ कि जब ये एनसीए में तय हो गया था कि 31 अगस्त तक 134 मीटर रहेगा, तो अब 135.76 मीटर पानी कैसे हो गया, कोई इसकी बात करे? हर चीज सुप्रीम कोर्ट से करेंगे क्या? तो ये तो साफ हो गया ना कि बदमाशी चल रही है। मिटालुक जी, आपने जो बात रखी वो तथ्य को अगर हम मान भी लें कि है, तो अगर मान लीजिए जी, लेकिन दूसरा डिफर कर रहा उस बात से, उस तथ्य से, एक दूसरा गुजरात गवर्नमेंट डिफर कर रही है ना इस बात से, जो तथ्य आप कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वहां के सीएम का बयान है, क्या बयान है मुझे दिखा दीजिए कि एनसीए में शेड्यूल नहीं हुआ। ये शेड्यूलिंग है ही नहीं, किसने कहा? सारे मीडिया उस बात पे तो एनसीए का चेयरमैन, सुनिए आप कह रहे हैं ना, एनसीए का चेयरमैन वाटर रिसोर्स मिनिस्टर का सेक्रेटरी होता है, उसके साइंड मिनट्स है, सारे मीडिया में घूम रहा है। आप कह रहे हैं ना, आपका गुजरात का मुख्यमंत्री कह दे कि मेरा गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं, मेरा मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश का है। अरे गुजरात का मुख्यमंत्री पश्चिम से उगता है, रिहैबिलिटेशन का काम प्रॉपरली और फास्टली करना चाहिए। अरे वहां दादागिरी क्यों की जा रही है? आपके पास गेट है तो आप गेट बंद करके बैठे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सूर्य पश्चिम से निकलता है तो हम मानेंगे सूर्य पश्चिम से निकलता है, ये कोई विवाद की बात नहीं है। उनको मोदी जी ट्वीट करते हैं कि देखे सरदार सरोवर देखने के लिए, उनको टूट के लोग नहीं दिखते। आप लोग धर्म की बात करते हो, मानव हत्या करके सबसे अधर्म आपको लगेगा। लोग जी गलत ही बात है, मैं रहा हूँ 30 साल कबीरदास जी ने कहा है, विकास जी निर्बल को सताई है, जाकी मोटी है, मुई का खाल की फूक से लौ भस्म हो जाए, तो बड़े बड़े भस्म हो जाते हैं गरीबों की आय से। विकास जी, विकास जी, विकास ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है विकास जी, तो दादागिरी है। आप एक देखिए, मध्य प्रदेश की बात नहीं है भाई जी, ये मुझे थोड़ा सा ये मध्य प्रदेश के लोग हों या गुजरात के हों, ये हमारे अपने लोग हैं, आप पहली बात समझिए। अरे मैं तो समझ रहा हूँ, सुनिए तो आपसे कह रहा हूँ, सुनिए सुनिए, अब आप जूस पिला रही है। अरे आप सुन लीजिए, जूस पिला के आप कहता है, अरे हम काजू खा रहे हैं भाई, अरे श्रीमान गलत बात है भाई, आप चैनल पे बोलिए कि राकेश सिंह जी को और हमारे पूरे सांसदों को मोदी जी से कहना चाहिए कि गुजरात सरकार जो है, और अभी जब पूर्ण विस्थापन हो जाए उसके बाद जो वो हाइट ठीक कहते हैं भरे वो सहयोग करने के लिए तैयार है। मेरी बात बताइए ना फिरोज भाई, आप और मध्य प्रदेश सरकार के 1800 करोड़ रुपए दे वो आप काम में नाकाम रहे और हमारी छाया छाए जी। आप 1800 करोड़ क्यों नहीं दे रहे? पहले ये बताओ आप 1800 करोड़ क्यों नहीं दे रहे? क्यों आप मध्य गुजरात की भाजपा सरकार क्यों 1800 करोड़ क्यों नहीं दे रहे? मध्य प्रदेश मेरा एक ही बात है, अगर जब ये नियम शर्तें तय हुई है, जब ये नियम शर्तें तय हुई है कि विस्थापन के लिए आप फिलिंग करोगे तो हमारे विस्थापित लोगों के लिए 1800 करोड़ दोगे, ठीक है? गलत ढंग से आप गलत बात बोल रहे हैं, आप जरूरत से एक जानकारी चाह रहे हैं, मानवता को मानवता जानकारी और यही कह रहे हैं कि मानवता के इस कार्य में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार फेल हो रही है,
तब वो प्रतिपक्षी दलों से छाया छा रही है। आपको सब अधिकार है ना, आप क्यों नहीं राजनीति आप करोगे ऊपर आप जानकारी दे दूं मैं आप प्रतिपक्षी बेकार जी बेकार जी एक जानकारी और एक से लोग दोष दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं, पिछली एनसीए की बैठक में जब चर्चा हुई तो उस एनसीए की बैठक में ये बात आई कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने ये कहा है कि इस समय 6000 परिवार रह रहे हैं, 6500 परिवार जीआरए के सामने पुनर्वास लंबित है, 2952 परिवारों को पैकेज देना बाकी आदि आदि आदि। मिनट्स में वो सब नोट करते हैं और उसके बाद जो अध्यक्ष हैं जो कि वाटर रिसोर्स मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं, निश्चित रूप से मोदी जी के इशारे पे होंगे, ये सब नोट करने के बाद कोई उस पर उसको डिबेट नहीं करता है, उसको कोई ये नहीं कहता। तब गुजरात का वहां प्रतिनिधि ये नहीं कहता कि मध्य प्रदेश वाले झूठ बोल रहे हैं कि पुनर्वास नहीं हुआ है, हमारे पास तो जीरो बैलेंस है, ऐसा कोई कुछ नहीं कहता। और उसके बाद कह देते हैं कि पानी भरना चाहिए। तो ये तो दादागिरी हुई ना, ये तो गुंडागर्दी हुई ना, सीधे से गुंडागर्दी। अब आप थोड़ा सा शांत रहिए ना मेरी बात। जी जी बिल्कुल, आपने एक फैक्ट जो इंटरप्रेट किया उस मीटिंग मिनट से, मिनट से मैं आपको दे दूंगा, मिनट से लिखा हुआ है पूरा। इंटरप्रिटेशन जाहिर कर रहा है, उस वक्त स्थिति क्या बनेगी? कंफ्लिक्ट है। कंफ्लिक्ट अगर है और पिछले अप्रैल से कंफ्लिक्ट है तो हमारी मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार उस कंफ्लिक्ट को तकिए के नीचे दबा के क्या सो रही थी? अगर कोई फैक्ट कंफ्लिक्ट था, उनके समझ उनके कहने और हमारे समझने में कोई अंतर था तो हमने लीगल प्रोसेस तब क्यों नहीं अडॉप्ट किया? क्या हमने इस मामले में प्रदेश सरकारों ने, भले ही वो कांग्रेस की रही हो या भाजपा की रही हो, क्या लीगल कोर्स ऑफ एक्शन पहले नहीं फॉलो किया था? एक मिनट को, आरोप लगाना बहुत आसान है, तेरी पार्टी मेरी पार्टी करना बहुत आसान है, जब प्रदेश के हितों का सवाल है तो हमारे आज की मध्य प्रदेश सरकार की जवाबदारी बनती है कि रिहैबिलिटेशन प्रॉपर हो, स्पीडी हो। और मान लीजिए अगर कोई अन्य प्रदेश हमारे को हमारे अधिकारों को रोक रहा है तो हमें लॉ को एक्सरसाइज करना ही चाहिए। और उस वक्त आप हमारी शेडो ले कि आप प्रतिपक्षी दल हैं, आपके दल की सरकार गुजरात में है तो आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आना चाहिए, आपकी तरफ से बयान आना चाहिए। जो जनहितकारी मामले हो सकते हैं, जो पॉलिसी मैटर्स हो सकते हैं, उसमें तो ये हो सकता है, लेकिन जब लीगल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी ये हाथ जोड़ के कवायद करना कि प्रतिपक्षी दल इसके ऊपर पहल करे, ये बहुत गलत। अगर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट था तो सरकार तैयार रह सकती थी, उस पर कुछ लीगल एक्शन भी हो सकता था पहले से। मतलब 14 अगस्त से जब मेगा पाटकर जी वहां पे मौजूद है, ये गिलास जूस का गिलास लेके पहुंच रही है इनकी सरकार वहां पे, लेकिन लीगल कोर्स नहीं एक्सरसाइज कर पा रही है। वो किसके खिलाफ बैठी थी धरने पे? मेगा पार्ट, एक मिनट आप सुन लीजिए, आपको तो अरे आप सुन लीजिए, किसके मेगा पार्ट का जी का सुन लीजिए, सवाल नहीं है, अरे उनके ना नेतृत्व का सवाल है केवल, ये बोलते हैं भाई, विस्थापितों का सवाल है। आप घंटा भर से किसी को बोलने नहीं देते, आप हमें रोक रहे थे तब आपको नहीं दिख रहा था मेगा पार्ट का जी को छोड़िए, आंदोलन का हो सकता है मेगा पार्ट का। मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है विकास जी, मेरा ये कहना है रोजी से सवाल, मेरा ये कहना है कि ठीक है आज ये समय नहीं है कि हम इस पे चर्चा करें कि तुम गलती हो तुम्हारी गलती, आज ये समय है कि पानी बढ़ता जा रहा है, लोग डूबते जा रहे हैं, प्रभावित होते जा रहे हैं, लोगों का बुरा हाल है, अभी 24 घंटे का अलर्ट फिर मौसम विभाग ने दे दिया। ये स्थितियों में आप मोदी जी को तुरंत एक्शन लेके गुजरात सरकार से गेट खुलवाना चाहिए, बाद में जब स्थितियां सामान्य हो जाएं तो हम इन बातों को लेके, बहुत लंबा समय पड़ा है। अब आप हालात देखिए, आप हालात देखिए कि इनकी इनमें मानवता, इनकी असंवेदनशीलता देखिए, चले जाइए आप हमसे कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, तो क्या आपकी आप कैसे नेता है वो क्या मंजीर सवाल यही है क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही थी उससे ये पहले से लग रहा था कि इस तरह की परिस्थितियां बन सकती है तो सरकार भी तैयार है। अरे आ सकती है 24 घंटे में, और नहीं है, ये संभव नहीं है, फेलियर मानिए अपने आप का, ये संभव नहीं है।
आप के मन से कह रहे हैं ना कौन सा गेट बंद कर देंगे तो पानी हम आगे जाने ही नहीं देंगे, नहीं, वो एक्सरसाइज करिए ना आप। कोई गेट नहीं, कौन सा गेट की बात कर रहे थे? कौन सा गेट है सर? अरे बघेल जी बात कर रहे हैं आप तो पूरा डुबवा देंगे। आपके विभागीय मंत्री मतलब ऐसे बयान जारी करना, बेहतर कम्युनिकेशन नहीं करना, अपना इस तरह से तैयार रह सकती थी, इस तरह की परिस्थिति ना बने जो अभी बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए आपको एक मिनट मयंक जी, आप राकेश सिंह जी की बात कर रहे हैं, आपने बिहार साहब को क्यों भेजा फिर उस मोर्चे के ऊपर आंदोलनकारियों के साथ बैठने? राकेश सिंह जी से निवेदन करते ये उनकी जिम्मेदारी है या नहीं है? जनप्रतिनिधि जनता से वोट मांग के आए कामों के लिए छोड़ी कुर्सी, जनता आ रही है। ठीक है आलोक जी अपना जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि एक बार निर्णय हो गया कि सिद्धार्थ सरोवर में पानी 138.68 भरा जाएगा, गलत आंकड़ों के के आधार पर हो गया, मध्य प्रदेश की तरफ से गलत झूठ बोल दिया गया कि वहां पे जीरो बैलेंस है जी। अब उसके बाद एक मिनट तीसरी बार आप नर्मदा में पार्टी था या नहीं था तय हुआ है, आपने क्यों नहीं रखे वहाँ पे? वहाँ सब रखा नहीं हुआ, आपने आदेश नहीं पढ़ा, मैं आदेश पढ़ चुका हूँ, मैं आप बता रहा हूँ आपकी। अरे मैं बता सुनिए, मैं आप सुनना नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? आपने पढ़ा नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट का बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला हुआ। हम पार्टी थे, हम पार्टी थे, सुन लीजिए आंकड़े सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट। अरे क्या है सुनिए ना, आपने पढ़ा नहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, यहाँ पे आप बहस कर रहे हैं जिसमें फिर क्यों बता रहा हूँ ना मैं क्या था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आपने जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो किया नहीं आपने जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुनिए ना, अरे आप सुनने नहीं है, फ्री स्टाइल बिना पढ़ा हुए लगाई थी। अरे सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में था, रिव्यू पिटीशन से आपने लगाई थी। अरे छोड़िए आप, ठीक बताइए ना। अरे फ्री स्टाइल गवाई, अरे आप फ्री स्टाइल दो मिनट सुन लीजिए, लगाई थी आपने, सुन लीजिए 8 फरवरी 2017 का सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जिसमें उन्होंने कहा था एक्स नंबर को ये देंगे, वाई नंबर को ये देंगे, और जिनका बचा है वो जीआरए जाएं, उनका जब तक सारा पुनर्वास नहीं हो जाता पानी नहीं भरा जा सकता। तमाम आदेश हैं, ट्रिब्यूनल का आदेश है जिसका पालन नहीं किया गया। मध्य प्रदेश सरकार को बहुत अच्छी तरह से मालूम था, हजारों परिवार हैं पर जीरो कर दिया गया। अब उसके बाद स्थिति ये बनी कि किसी को ये नहीं मालूम था कि ये रिवर बेड पावर हाउस को बंद करके, दो पावर हाउस होते हैं, रिवर बेड एक कैनाल हेड, रिवर बेड अब पावर हाउस को बंद करके पानी भरना चालू कर देंगे। अचानक इन्होंने अप्रैल की एनसीए की मीटिंग में ये निर्णय ले लिया कि रिवर बेड पावर हाउस को बंद कर देंगे, जबकि वहां मीटिंग में ये आंकड़े साफ थे कि हजारों लोग का पुनर्वास नहीं हुआ है और फिर पानी भरना चालू हो गया। दूसरी तरफ आज स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में इतना पानी गिर रहा है कि सरदार सरोवर इंदिरा सागर पूरा भर चुका है। अब इंदिरा सागर के गेट खोल के आपको करना ही पड़ेगा, ओंकारेश्वर में 193 के ऊपर आप जा नहीं सकते, वो पानी आपको छोड़ना ही पड़ेगा। जितना मध्य प्रदेश में ज्यादा पानी गिरेगा उतना ही सरदार सरोवर का पानी बढ़ेगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, मानवीय समस्या है, मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ी समस्या है, मध्य प्रदेश को सबको साथ आना चाहिए, गेट खोलने चाहिए, पानी नीचा करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक काफी अच्छी भूमिका ली है, पर दो भूमिका मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ कि तत्काल सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और एक दिन का कमलनाथ जी को उपवास। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर। अगर केंद्र सरकार और गुजरात सरकार नहीं सुन रही है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस मामले का हल निकाला जाए। तो जिस तरह से अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो काफी गंभीर है, इस पर हमने चर्चा की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। विकास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिरोज जी आपका बहुत शुक्रिया, और आलोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हालत बहुत गंभीर है, जिस तरह से मध्य प्रदेश के कई गांव
डूब चुके हैं, पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, हालत बहुत गंभीर है। अब देखना होगा कि उनका पुनर्वास किस तरह से होता है, उनकी समस्याओं का निराकरण किस तरह से सरकार करती है। तो फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, आप बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार।